So, we were talking about the RMS value of the induced EMF, and the same thing you might have observed in the transformer also. आपने ये की है for value, आपने transformer में भी देखी होगी, transformer के primary side और transformer के secondary side में, ठीक है? फर्क इतना हो जाता है कि primary में यहाँ NP लग जाता है और secondary में यहाँ क्या लग जाता है? NS. That is the number of turns on the primary side and the number of turns on the secondary side. However, the RMS value will be, value is seen. So, what conclusion you are getting, that the rotating field so produced induces a three-phase induced EMF in the rotor of the induction motor, in the rotor of the. Now, though I have already discussed you the torque production, मैंने आपको पहले ही बताया टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हुआ कि बैलेंस थ्री फेज करंट फ्लोज थ्रू द स्टेटर. Rotating magnetic field is produced. This rotating magnetic field will induce a EMF in the rotor, which in turn produces a rotor current. This rotor current will produce an flux or MMF. Okay, and this MMF, balance current, फिर क्या लिखा है? The interaction of the field due to the rotor current and the air gap field produces a torque. Air gap field किसके कारण है? Stator के कारण. और rotor ने भी अपना एक induced EMF के कारण एक MMF produce किया. और दोनों interact करेंगे. Interact से खिंचाव पैदा होगा. और उस खिंचाव से क्या होगा? हमारा rotor rotate करने लग जाएगा. ये भी मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है? Slip के बारे में we have already talked. What is slip? ठीक है, ns माइनस nr ओवर ns. दिस इज क्लियर? नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट. आपने कहा रोटर करंट प्रोड्यूस हुआ, सबने माना, एवरीबॉडी एग्रीज और नॉट कि भाई एक रोटर करंट प्रोड्यूस होता है. क्यों? क्योंकि वो एंड रिंग्स के कारण शॉर्ट सर्किट है. अब प्रश्न ये उठता है, देखो यहां एनालिसिस है, क्या रोटर करंट की वही फ्रीक्वेंसी है जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी मानी थी? एफ. अरे एफ मानी थी कि नहीं मानी थी? एफ मींस इन इंडिया 50 हर्ट्ज. तो क्या रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी भी उतनी है 50 हर्ट्ज? नहीं, इट इज नॉट देयर. इट डिपेंड्स अपॉन द स्लिप. स्लिप कितनी है और स्लिप किस पे डिपेंड होती है? रोटर स्पीड पे. किस पे डिपेंड होती है? इसका मतलब रोटर में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट अपॉन द स्लिप. हाउ टू कैलकुलेट? ओके, वी नो दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द फॉर्मूला. व्हाट इज दैट? n, स्पीड n इज गिवन बाय हाउ मच? 120 f अपॉन p. आई हैव गिवन दिस फॉर्मूला इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन. वी विल यूज द सेम फॉर्मूला एंड व्हाट यू विल फाइंड, व्हाट इज f? np upon 120. अब ये रोटर करंट प्रोड्यूस किसके कारण हुआ? अब इसमें जो n है वो कौन सी लगेगी? रिलेटिव स्पीड. कौन सी लगेगी? रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड मींस हाउ मच? ns minus nr. The relative speed in rotating field and the rotor current is cause for the induced EMF, and therefore currents in the rotor is. ये करंट किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? इंड्यूस ईएमएफ के कारण. इंड्यूस ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हुआ? बैक चलते रहो. किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? रिलेटिव स्पीड. किसके बीच में? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच में. इज इट क्लियर? तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी किसी भी समय? ns माइनस nr. ठीक है, तो मैंने यहां लिख दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर विल बी नथिंग, p कांस्टेंट, ns माइनस nr अपॉन 120. अब इसको मैंने थोड़ा सा ओपन किया. ये क्या होती है? ns माइनस nr अपॉन ns. दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ns. ठीक है, तो ns माइनस nr. देखिए इसको ऐसे समझिए मैथमेटिक्स को. व्हाट आई हैव डन, fr इज इक्वल टू p, तो कांस्टेंट हो गया. रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? ns माइनस nr, और ये कितना हो गया?
120 कांस्टेंट दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एनएस ओवर एनएस, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैथमेटिकली कर सकता हूं मैं ऐसा? ठीक है, अब एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस क्या होता है? क्या होता है? स्लिप होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ओके, तो एफ आर कितनी हो गई? एस, ये पूरा मैंने क्या ले लिया? एक ले लिया स्लिप, तो वर्ड स्लिप आ गया, स्लिप एस पी एन एस ओवर 120। इज इट क्लियर? अब ये क्या है? पी एन एस ओवर 120 क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अरे ये एनएस था आपके, जब मैने 120 एफएस अपॉन पी रखा, ये क्या बोला? सिंक्रोनस स्पीड। तो ये क्या थी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यहां पर पी अपॉन एनएस ये क्या हो जाएगी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। किसको देते हैं वो? स्टेटर को। किसको देते हैं? स्टेटर को। तो हमारी जो रोटर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई? एस इंटू एफ एस, वेर एफ इज कॉल्ड सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो सो रोटर फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट अपॉन स्लिप, डिपेंड अपॉन स्लिप। स्लिप कितनी हो? स्लिप किस पे डिपेंड है? ऑन द रोटर स्पीड। तो ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है इसका, कि आपके दी रोटर फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड, रोटर स्पीड, बोथ और नन ऑफ द अबव। फॉर्मूला क्लियर हो गया कि रोटर फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी विल बिकेम इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी व्हेन व्हेन एस इज इक्वल टू वन, एंड एस इज इक्वल टू वन मींस रोटर इज स्टेशनरी, रोटर इज स्टेशनरी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन इंडक्शन मोटर, रोटर इज स्टेशनरी, रोटर इज रनिंग एट फुल लोड, रोटर इज रनिंग एट नो लोड, नन ऑफ द अबव, रोटर इज स्टेशनरी इज करेक्ट। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपका, तो इन फॉर्मूलों का क्या मतलब? यहां से इन्फ्रेंस निकालते हैं लोग, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो ऐसे निकालते हैं। Is it clear or not? Okay. Now you have to very careful. Supply frequency in general is given in India 50 hertz, in America 60 hertz. अब मान लो आपको 30 hertz दे दे, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कितना दिया हुआ है? Clear or not? अब Now, तो बात समझ में आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट। अब रोटर ने भी एक एमएमएफ प्रोड्यूस किया, किया कि नहीं किया? पहले किसने किया? स्टेटर ने। पहले किसने किया? स्टेटर ने। स्टेटर ने कितनी स्पीड से रोटेट करवाया उसको? सिंक्रोनस स्पीड से। अब रोटर में भी जब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ तो एक रोटेटिंग एक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब रोटर घूम रहा है तो वो फील्ड भी घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अरे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? इज इट क्लियर? तो चलो घूमे, घूमा, बहुत बढ़िया बात। हमने थ्योरेटिकली समझ ली कि स्टेटर का भी फील्ड घूम रहा है और रोटर का भी फील्ड घूम रहा है। रोटर का फील्ड क्यों घूम रहा है? क्योंकि रोटर भी, रोटर का काम ही क्या करना? रोटेट करना। ठीक है, तो अब इस रोटर की स्पीड क्या होगी? रोटर के फील्ड की, रोटर की तो कितनी है? एनआर। कितनी है? एनआर। तो रोटर की फील्ड की कितनी होगी? तो वो हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, कितनी कैसे निकालेंगे? हम मान जानते हैं किसी की स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 120 एफ अपॉन पी। अब यहाँ पे एफ क्या आएगा? कि ये जो रोटर का फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? रोटर करंट ने। किसने प्रोड्यूस किया? रोटर करंट ने। और रोटर करंट की अभी हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, माना कि अभी कितने एफ आर, कितनी है एफ आर, और कितनी निकाली ऊपर अभी? एस एफ, एस एफ रख दीजिए, रख दिया। तो एस एफ रखते ही एस को सेपरेट कर दिया, 120 एफ एस अपॉन पी क्या हो गया? एन एस। तो रोटर की जो एमएमएफ की स्पीड है वो कितनी आई? एस इंटू एन एस। तो लड़के जनरली कंफ्यूज में होते हैं, रोटर भी स्टेटर जिस स्पीड से घूम रहा है उसी स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड से हमारा कौन घूमेगा?
कौन घूमेगा? रोटर, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ऐसा नहीं है, कितनी स्पीड से घूमेगा? एस एन एस, नॉट एट एन एस, एंड एस इज व्हाट? स्लिप। सो व्हेन स्पीड इज जीरो, व्हेन एस इज जीरो, एस इज जीरो इज व्हेन व्हाट नॉट स्टेशनरी, व्हेन रोटर स्पीड विल बिकम सिंक्रोनस स्पीड, देन स्लिप विल बिकम जीरो। ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और दूसरा, इट विल बी इक्वल टू एन एस व्हेन एस इज इक्वल टू वन। एस इज इक्वल टू वन मीन्स रोटर इज स्टेशनरी। तो जब स्टेशनरी होगा तब रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी स्पीड कितनी होगी? कितनी होगी? एन एस। अरे समझ में आया क्या नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? तो दो चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है कि स्टेटर की जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी स्पीड कितनी है? एनएस। कितनी है? एनएस। रोटर की जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफआर। कितनी होती है वो? एस इंटू एफएस। व्हाट इज एफएस? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। एस इंटू एफएस। रोटर में करंट के कारण एक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी स्पीड कितनी होगी? कितनी होगी? एस एन एस। कितनी होगी? एस एन एस। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये टिप्स पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कहना आपको कोई हिंट देगा या कुछ, ये सारे टिप्स पे होने चाहिए। और डिराइवेशन का बता दिया है, तो इन केस भूल जाओ तो यू कैन डिराइव इट आल्सो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बहुत अच्छा काम करते हैं, हमने निकाल दिया स्पीड कितनी निकाली रोटर एमएमएफ की, एस एन एस। अब हमारे यहाँ पे स्टेशनरी कौन है? यहाँ पर स्टेटर कौन है? स्टेटर, ठीक है। द स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर इज हाउ मच? कितनी होगी बताओ? स्टेटर क्या है? स्टेशनरी बॉडी। देखिए आपने आइंस्टीन पढ़ा होगा, आइंस्टीन कहता है कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, ठीक है। दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही स्पीड से जा रही है, तो आपको लगेगा क्या कि यार हम तो बैठे हुए हैं रेस्ट पे, जबकि हकीकत में क्या है? यू आर इन मोशन। किसके लिए मोशन में? जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जो प्लेटफॉर्म पे टाटा कर रहा है, ठीक है। और आप उस तरफ देख रहे हो जहां पर दो पटरियों पर दोनों ही ट्रेनें एक ही स्पीड से चल रही है, अरे वो भी बैठा मैं भी बैठा, ये टाटा किसको कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्लेटफॉर्म वाले के लिए आप मूव कर रहे हैं, इज इट क्लियर? तो यहां का ये कंसेप्ट है कि यहां पर रोटर घूम रहा है किस स्पीड से? एनआर, इज इट क्लियर? रोटर का फील्ड घूम रहा है किस घूम से? एस एन एस। अरे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? और स्टेटर पर बैठ के देखिए आप, बताओ। अब स्टेटर पर बैठ गया, स्टेशनरी है, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, अब बताओ उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हुई विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी, एक स्टेशनरी आइटम से। तो क्या करेंगे? एनआर रोटर की स्पीड हो गई, ठीक है। और यहां किसकी स्पीड आ गई? रोटर के फील्ड की। अरे आ गई माइनस जीरो। माइनस जीरो क्यों? रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में? स्टेटर। और स्टेटर क्या है? स्टेशनरी। उसके ऊपर बैठ जाइए, अब बता कैसे कितनी स्पीड दिखेगी? तो आपको ना तो रोटर की स्पीड दिखेगी, ना आपको रोटर के करंट की स्पीड दिखेगी। आपको क्या दिखेगी? अभी सॉल्यूशन निकालते हैं। एनआर को मैं लिख देता हूं वन माइनस एस इंटू एन एस। अरे सोचने लग गए तुम लोग। अरे इससे ये एस होता है, ठीक है। इसको करो सॉल्व, करो एनआर निकालो एनएस के टर्म्स में, तो कितना आएगा? एनआर विल बी इक्वल टू वन माइनस एस इंटू एनएस। अरे समझ में आया? प्लस एनआरएफ अभी निकाला हमने रोटर के फील्ड का, कितना? एस इंटू एनएस। ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलते ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बनेगा? एनएस। तो जब स्टेटर देख रहा है क्या? स्टेटर देख रहा है रोटर का फील्ड, उसको कितनी स्पीड लगी?
एनएस, और जो रोटर का फील्ड है उसके एयर गैप में जो रोटेटिंग फील्ड है उसकी कितनी है, एनएस। अरे समझ में आई कि नहीं आई? स्टेटर की स्पीड कितनी है, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्पीड है, एनएस। और स्टेटर जब रोटर को देख रहा कितनी स्पीड आई, एनएस। तो दोनों एक दूसरे को आपस में क्या देखेंगे, स्टेशनरी। तू भी स्थिर है और मैं भी, और सारा का सारा चक्र फिर भी चल रहा है। अब देखिए साइंटिफिकली इसको समझिए कि कौन किस रेस्पेक्ट में देख रहा है। इज इट क्लियर? मेरी सोच अलग है, मेरी सोच है कि भाई मैं रो हमेशा कुछ नया दूं, कुछ एग्जांपल के साथ समझो। तुम्हारी सोच अलग है। अगर तुम्हारी और मेरी दोनों सोच अच्छा आ जाए तो सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, और ऐसा तुम्हारा ये हो जाए कि क्लास बंक हो जाए, आज दवे सर बीमार पड़ जाए, यही है ना, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन बैठ नहीं रहा है, लेकिन यहां कितना बढ़िया सिंक्रोनाइजेशन है। द टू फील्ड्स आर स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू, द टू फील्ड्स आर स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू। अरे समझ में आया कि नहीं आया? सो what conclusion we have got from today's lecture, that a rotating magnetic field produced by the stator supply will cut the rotor conductors, produce induced current, induce emf first of all, then induce current, and then a rotor field. This rotor field will also be rotating, it will interact with the stator field, torque is produced, and thus the rotor starts rotating, and there after a difference will be generated between the synchronous speed and the rotor speed, that is called slip. And we have also find out what will be the frequency of the rotor current, what will be the speed of the rotor MMF, and what will be the relative speed of the rotor MMF with respect to stator MMF. It comes out to be that both are stationary, both rotate at synchronous speed with respect to stator. So stator ne kya kiya, अपना खुद का भी फील्ड प्रोड्यूस किया, रोटर में भी करवाया, और दोनों को किस स्पीड से रोटेट करवाया, एनएस, किस स्पीड से, और एक ही दिशा में, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जीरो। तो दोनों क्या अपने आप में स्थिर अवस्था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक सम मोर कंटेंट।